हेलो फ्रेंड्स, उर्वशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तिल गुड़ की चिक्की, जो घर पे कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी। ये चिक्की खास करके इसलिए खाई जाती है जबकि उत्तरायण के समय बदलता मौसम हो और ठंड से गर्मी की तरफ ये मौसम जा रहा है, तो इसलिए हमारे शरीर को एक इम्यूनिटी चाहिए, तो इसीलिए तिल और गुड़ खाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है गुड़ 500 ग्राम्स और तिल लिए हैं 250 ग्राम, घी लिया है थोड़ा सा 2 चम्मच जितना। तो आइए देखते हैं किसे बनाया जाता है। ये कढ़ाई लेकर मैंने ये तिल जो है ये अच्छी तरह से सेक लिए है। इसको धीमी आंच पे सेकना है और 10 मिनट के लिए सेकने के बाद जब ये रेडी हो जाएगा वहाँ तक उतनी देर तक हमें ये चलाते रहना होगा। और इस तरह से क्रिस्पी हो जाने के बाद चेक करके हमें इसको साइड पर ले लेना है। हम एक डिश में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से डिश में लेने के बाद उसी कढ़ाई में हम धीमी आंच पे रखेंगे और 2 चम्मच घी लेंगे। घी लेने के बाद हम जो गुड़ लिया है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने अभी 400 ग्राम लिया है और थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा है, बाद में अगर लग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड कर दूंगी। तो इसी तरह से गुड़ को भी हमें मीडियम आँच पर पकने देना है। ये पकने के बाद जब रेडी हो जाएगा तो ये सारे गट्ठे इसके मेल्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये हम जब चलाते रहेंगे तो ये घी गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा जो 2-3 टुकड़े बाकी रखे थे वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 1-2 टुकड़े जो थे वो ऐड कर दिए हैं और ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने तक हमें इसको चलाते रहना होगा। तो ये गुड़ जब मेल्ट होता है इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये रेडी हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए जो है हम इस तरह से प्लेट में पानी लेकर थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल के चेक करेंगे। अगर ये क्रंची ना हुआ हो तो 1-2 मिनट के लिए और सेकना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये रेडी हो जाएगा और बाद में हम ये तिल ऐड कर देंगे। ये तिल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तिल और गुड़ मिक्स हो जाने के बाद हम इसको गैस ऑफ कर देंगे। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और गैस ऑफ करने के बाद थोड़ा सा घी प्लेटफॉर्म पर डालकर हम हाथों की मदद से स्प्रेड कर लेंगे और जो मिक्सचर है तिल और गुड़ का वो इसी एरिया में डाल देंगे। तो ये इस तरह से मिक्सचर डालने के बाद हम इसको ये स्प्रेड कर देंगे चम्मच की मदद से। और अगर आपको लगे कि लेवलिंग नहीं हो पा रहा है तो आप बेलन के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर घी वाला बेलन करके इसको हम बेलन की मदद से स्प्रेड कर दीजिएगा और इसका लेवलिंग कर सकते हो आप। तो ये देखिए इस तरह से आप लेवल करने के बाद ये देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा और टुकड़े हाथ से ही कर सकते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। आप भी इसी तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगती है ये रेसिपी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।